बोले जय शाहू जय भीम। साथियों, आज हम लोग पुणे में महात्मा फुले वाड़ा यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को ज्ञात है कि यह वाड़ा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इन्होंने पुणे में 1852 में निर्मित किया था। ये वही जगह है जहाँ से उन्होंने सामाजिक क्रांति की शुरुआत की थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इन्हें इंडियन फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन यह कहकर संबोधित करते थे। अपनी किताब जो बाबा साहब ने उनको समर्पित की है हुवेर शुद्रा, इसमें भी उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ये जो है ये हमारे सोशल रेवोल्यूशन के फादर हैं, मीन्स फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन। मैदान आप देख रहे हैं, दरअसल ये मैदान पर सत्यशोधक समाज की बैठकें हुआ करती थी और इन्हीं बैठकों में जाति के खिलाफ, स्त्री उत्पीड़न के खिलाफ, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न के खिलाफ कई प्लानिंग हुआ करती थी जिसको बाद में क्रियान्वित भी किया जाता था। यह गंजपेट में स्थित है। गंजपेट पुणे रेलवे स्टेशन से बहुत नज़दीक है। अगर आप पुणे आकर आपने अगर पुणे आकर महात्मा फुले वाड़ा नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको ज्ञात करें, उसे समझें, आगे चलकर मूवमेंट के लिए उसको इस्तेमाल। यही वो पुणे शहर है और यही वो महात्मा फुले इनका वाड़ा है जहाँ से इन्होंने स्त्री शिक्षण, दलितों के लिए शिक्षण, पिछड़ों के लिए शिक्षा जो है खुली की। यहाँ से वो उन्होंने अपने सामाजिक कार्य की शुरुआत की। यहाँ से अनेक तरह के एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू करी और उसे अपनी मंजिल तक पहुँचाया। अत्याचार तो सभी समाजों पर हुआ करते थे, सभी से मेरा मतलब है दलित, पिछड़े, शूद्र, अति शूद्र, स्त्रियों के ऊपर तो अत्याचार हुआ ही करते थे, मगर औरतों पे और दलितों पे खास तरह के अत्याचार हुआ करते थे। दलितों पे कई तरह के अत्याचार हुआ करते थे, उन्हें अछूत समझा जाता था और उन्हें किसी तरह की कोई सुविधाएं मुहैया नहीं की जाती, यहाँ तक केवल पानी पीना भी उनके लिए मुश्किल हुआ करता था। ऐसे दौर में, ऐसे कठिनाई के दौर में महात्मा फुले इन्होंने अपने घर में स्थित कुआं अछूतों के लिए खुला कर दिया गया था। यह उस दौर का बहुत ही क्रांतिकारी कार्य था और इसके लिए दलित, पिछड़ा और आदिवासी समुदाय उनका हमेशा ऋणी रहेगा। बता हूँ कि आप इसके बाद जब भी पुणे आएंगे तो इस वाड़े पर आकर महात्मा फुले इनके द्वारा किए गए संघर्ष से प्रेरणा ज़रूर लेंगे। पुणे आए और महात्मा फुले वाड़ा नहीं आए तो क्या पुणे आए। जय भीम, जय शाहू, जय फुले, जय भारत।